दीक्षित ज्वेलर्स, जीवनदीप निवास, बाईपास रोड, BCS, शिमला। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल ने कहा कि हिमाचल में गुंडा राज चल रहा है और हर तरफ गोलीबारी चल रही है। उन्होंने कहा कि बिलासपुर में जो घटना हुई थी उससे पहले विधायक त्रिलोक जम्वाल ने पुलिस अधीक्षक और उपायुक्त को आगाह किया था कि बिलासपुर में हथियारबंद लोग घूम रहे हैं। वैसे ही बीते कल हुई बद्दी बरोटीवाला क्षेत्र में गोलीबारी की घटना के बारे में पहले चेताया गया था कि वहां अवैध हथियार है, लेकिन उसके बावजूद भी कार्यवाही नहीं की गई, जिसके लिए पूरी तरह से वर्तमान सरकार दोषी है। हिमाचल प्रदेश में निरंतर क्राइम की घटनाओं ने प्रदेश को दहला दिया है। पिछले कल BBN क्षेत्र में, बद्दी बरोटीवाला नालागढ़ क्षेत्र में जिस तरह शूटिंग की घटना हुई, उसने एक के बाद एक लगातार हो रही शूटिंग की घटनाओं को एक नया दृष्टिकोण, नया मोड़ दिया है। किसी को भय नहीं है, सरकार का भय नहीं है। भय है तो एक सामान्य व्यक्ति को भय है, कर्मचारी को भय है, दुकानदार को भय है, परंतु जो गुंडा एलिमेंट है वो भय मुक्त है। लगभग 1000 से ज्यादा लोग जहां मैच देख रहे थे, जहां पर और पूरा गांव एक जगह इकट्ठा था, और वहां पर ये गोलियां चलने की घटना होती है, वो गोली किसी को भी लग सकती है। इसी प्रकार बिलासपुर की घटना, न्यायालय के परिसर के बाहर, DCSP ऑफिस के बाहर, और शार्प शूटर आते हैं, फायरिंग करते हैं, और बिलासपुर के नौजवान दौड़ करके उनको पकड़ते हैं। काश उन्होंने नहीं पकड़ा होता तो वस्तुस्थिति सामने नहीं आती कि इस शूटिंग के पीछे कौन एलिमेंट्स हैं। आज मैं आपके माध्यम से ये बात प्रदेश की जनता के ध्यान में ला रहा हूं कि एक महीने में 5 से ज्यादा शूटिंग की घटनाएं हिमाचल प्रदेश में हो गई। इसका मतलब है हिमाचल में हथियारबंद लोग घूम रहे हैं, कोई भी हथियार लेकर के चल रहा है। उसकी निगरानी क्या है, उसकी चौकसी क्या है? बिलासपुर की घटना में जहां कांग्रेस के बड़े नेता पूर्व में विधायक रहे और बंबर ठाकुर जी का बेटा, उसकी गिरफ्तारी हुई है, वहां पर इस घटना से कुछ दिन पहले श्री त्रिलोक जम्वाल जो MLA हैं वो SP को बोलते हैं, DC को बोलते हैं, बार बार आगाह करते हैं कि ऐसी चर्चा है, बिलासपुर में हथियारबंद लोग घूम रहे हैं, कोई कार्रवाई नहीं। और जब ये हो गई घटना, उसके बाद आप दौड़े हुए हैं, उसका क्या पर्पस है? ब्यूरो रिपोर्ट, सिटी चैनल, शिमला।